अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कोयला मटका बिरयानी। तो आइए इसके अज्जा नोट करते हैं। ये सारे मैंने अज्जा रखे हुए हैं और बारी बारी करके हम इसके अंदर डालेंगे और आपके साथ बताते जाएंगे कि क्या क्या हमने इसमें डाला है। ये देखिए, ये एक मैंने हांडी ली है और इसके अंदर मैंने हाफ के जी चिकन ऐड किया और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी कलावा प्याज। ये देखें, दो तकरीबन दो दरमियाने साइज़ के प्याज लेके मैंने इसको फ्राई कर दिया। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया और इसके साथ ही इसमें ऐड करूँगी दही। ये तकरीबन मेरे पास एक कप दही है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी सी ये बिरयानी बनेगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टमाटर ऐड किए और ये मेरे पास सारे स्पाइस हैं, ज़ीरा पाउडर, हल्दी एक चाय का चम्मच, गरम मसाला एक चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, नमक है और एक दो से तीन चाय के चम्मच बिरयानी मसाला मैंने लिया है इसके अंदर। ये सब मैं मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। अभी से मसालों की इतनी खुशबू आ रही है और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किए हरी मिर्ची और धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ। हरी मिर्ची साबुत हैं और इसको मिक्स करेंगे हम इस तरीके से। अदरक लहसुन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, वो आप लोगों के साथ दिखाना भूल गई थी मैं। आप दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दें। और ये देखिए, आलू बुखारे हैं दो से तीन अदरक और इसके साथ तीन से चार इमली के वो है बीज। और उसके साथ मैंने इसमें रख दिया है एक बाउल रखा है, ये मैंने कोला अच्छी तरह से धिका लिया था आग पर। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, ये देखिए, इसके साथ इस तरह इसकी स्मोक बन गई है। और इसको मैंने इसी के हांडी के ढक्कन से अच्छी तरह से ढाँप लिया है। कम से कम हम इसको 10-15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। ये देखिए, 10-15 मिनट बाद भी इसकी स्मोक ख़त्म नहीं हुई। और ये देखें, क्योंकि कोयला मैंने काफ़ी बड़े साइज़ का लिया था ताकि अच्छी तरह से इसमें स्मोक रच बस जाए। और अब मैंने इसको पकाने के लिए रख दिया चूल्हे पर 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे। ऑयल डालना, एक कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, ये देखिए। और दूसरी साइड पे मैंने चावलों को ये पानी रख दिया और इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। और ये गरम मसाला है मेरे पास साबुत। चावल मैंने तकरीबन हाफ के जी भिगो दिए थे आधे घंटे के लिए, और जैसे ये पानी बॉईल हो चुका है और हम इसमें ये चावल ऐड करेंगे। गरम मसाले की बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। और ये देखें, चिकन, टमाटर और दही का इतना ज़्यादा पानी निकल आया था तो थोड़ा सा हम इसका पानी खुश करेंगे। ये देखें, चावल हमारे तकरीबन हाफ डन से हो रहे। ये देखें, इस तरीके से कुछ चावल मैं निकाल लूँगी जो हाफ डन है, उसी के ऊपर हम जो हमने ग्रेवी तैयार की है उसके ऊपर हम डाल देंगे। और बाकी चावल को अभी हम पकाएंगे अच्छी तरीके से। उसकी तकरीबन तीन कनी वो चावल रह गए थे, एक कनी मैंने सिर्फ उबाले उसमें से। और ये देखिए, मसाला अच्छी तरीके से भून गया है। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ जो हमने चावल रखे थे, ये एक कनी सिर्फ चावल को हमने उबाला है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसके साथ ही हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चे, आप लोग टमाटर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। नींबू बारीक लेमन मैंने काट लिए हैं वो, और इसके साथ ही जो फुल बॉयल चावल हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। इसके ऊपर भी मैं सारे मसाले की तेल लगाऊंगी। देखिए, हरा धनिया, पुदीना, प्याज, इस तरह हम सारे मसाले डाल के इसको अच्छी तरीके से दम के लिए रख देंगे।
जर्दे का रंग, ये देखिए। बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनने की, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए मैंने दम के लिए रख लिया है इसको, 10-15 मिनट के बाद ये दम पे आ चुके हैं। अब मैं इसको खोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है ये। ये देखें कैसे धुएँदार मज़ेदार सी बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। इसकी खुशबू ही बता रही है कि ये बहुत ही मज़ेदार है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इसको मैं ऊपर नीचे कर लेती हूँ थोड़ा सा, ये देखिए। और इसके साथ ही मैं इसको करती हूँ डिश आउट और आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।